और पैसे भी आधा ले लेते, ज़्यादा नहीं, कोई कुछ नहीं है, खैर दिवाली से ही लगा हुआ है, कंपनी का कोई मतलब नहीं है। मैं तो नौकरी करता था वहाँ पे, 6 साल नौकरी की वहाँ, और छोड़ दी, मेरे पिताजी 30 साल काम किए वहाँ, तो उन्हीं की सर्विस में मैं लगा हुआ था। मैं वहाँ मजदूरी करता था, सबकी नकलें करता था, काम पे जाता नहीं था, बहुत एब्सेंट करता था, काम से निकल गया। तो वहाँ ऐसे मैं नकल कर रहा था किसी फंक्शन में हमारी कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर। तो मैंने हमारे जो फेमस वर्क ऑफिसर्स थे, जैसे पर्सनल ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर, शिफ्ट मैनेजर और हमारे जो मेन मैनेजर, जिनको सब जानते थे, मैं उनकी उनकी नकल की मैंने वहाँ पर, मैंने कहा मैं नकल करूँगा, आप लोग बताइए, नाम बताइए कौन है, मैं नाम नहीं बताऊँगा, नकल करूँगा तो आप समझ जाइएगा। तो जिन जिन की मैं नकल करूँ तो वो सामने से बोली फलाना है, फलाना है नाम देकर। तो एक हमारे सुरेश भोसले करके थे, वो यूनियन लीडर थे, वो स्टेज पे आ गए, माइक लिए, बोले तो आज लिवरची, संपूर्ण लिवरची करूं डालीस, आज पसंद तुझे नाव लिवर, जॉनी लिवर। तो तब से मेरा नाम जॉनी लिवर हो गया, फिर नौकरी छोड़ दी, फिर लिवर ऐसे है, कोई वहां से कुछ मुझे वो मिलता नहीं है। क्या नहीं नहीं कुछ नहीं किसी भी स्टार किड के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है, लेकिन आई थिंक अच्छी बात ये है कि मेरे फादर खुद इतने स्ट्रिक्ट हैं और उनका जो परफेक्शन का लेवल है वो इतना हाई है कि मेरे घर में ही काफ़ी ज़्यादा तैयारी हो जाती है, इससे पहले कि बाहर वाले कोई बोले कि ये काम ज़्यादा है, ही विल ओनली टेल मी कि पूरी तैयारी कर रही हूँ। जैसे उन्होंने बताया कि आज भी हम तैयारी कर कर आ रहे हैं, प्रैक्टिस कर कर आ रहे हैं, तो रोज़ प्रैक्टिस होता है या फिर मुझे बोला जाता है कि इस पे काम करो, उस पे काम करो, तो हमारी तैयारी बहुत है। सो प्रेशर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, बिकॉज इतना मेरे नाम से लीवर ही जुड़ जाना इस बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है। इनफैक्ट मुझे तो लीवर लगाना भी नहीं था, मैंने जैमी जे से शुरुआत की, लेकिन लोग मुझे जैमी लीवर बुलाने लगे, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आई थिंक वी आर वर्किंग रियली हार्ड ऑन इट, आई हैव वर्क रियली हार्ड ऑन इट, और रिजल्ट मिल रहा है बिकॉज लोगों का प्यार मिल रहा है। सो आई एम हैप्पी एंड मैं और बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप एंड आई नो आई एम गोइंग टू विन एवरीबॉडीज हार्ट्स। जी जी बिल्कुल, मैंने बोला था कि मुझे मेरा लिवर पता नहीं क्यों घुसड़ देते हैं। मैं नाम है जैमी जे, जैमी एंड जॉन ड्रॉ, मेरे पासपोर्ट पे मेरा ही नाम है, रियल नेम है, पासपोर्ट देख सकते तुम्हारा नाम। तो जॉन का जॉनी हो गया, जॉनी बुलाते थे, और लिवर वहां से लग गया मेरा, तो मैं हो गया इनको क्यों लिवर लगे। मेरे बेटे ने एक पिक्चर में काम किया, कभी खुशी कभी गम में, मेरे बेटे का रोल किया, और वहाँ नाम मैं खुद परेशान हूँ, जस्सी लिवर। 10 साल पहले, 10-12 साल पहले सुबह का है, तो जस्सी लिवर। तो अब क्या है कि जॉनी लिवर के बेटे आए तो लिवर डाल दो, तो वो हो गया है, वो भी क्या करें, भी उसको मैं रोक नहीं पाता। मेरे फादर बहुत म्यूजिक के बहुत शौकीन हैं, तो बचपन से वो इतने वर्ल्ड म्यूजिक सुनते आ रहे हैं, मतलब अगर शो के लिए अमेरिका चले जाते तो अमेरिकन म्यूजिक ले आते, फिर अगर कहीं और चले जाते अफ्रीका तो अफ्रीकन म्यूजिक ले आते। तो हमारे कबर्ड में मतलब ऐसे टेप्स और सीडीज भरे पड़े थे, तो बचपन से आई यूज्ड टू लिसन टू ऑल दिस एंड सी ऑल दिस वीडियोज, मतलब बचपन से मैंने माइकल जैक्सन के सारे वीडियोज देखे हैं, और शकीरा, बियॉन्से, आशर या दुनिया भर के स्टार्स, उनके सारे वीडियोस देखते आ रही हूँ, एंड देन समहाउ उनकी जो पसंद थी लाइक सिंगिंग और वो सब सुनते सुनते समहाउ वो मेरे अंदर भी डेवलप हुआ।
और जब आई थिंक मैं 8 साल की थी तो मेरे डैड ने जब ये 8 साल की थी तो ये गजल सुन के उनको अच्छा लगा, ये गजल मैं गाऊंगी। तो वो गजल जेके सिंह साहब, चित्रा सिंह जी और गजल से एक लाइन सुना है जी जी किस रंजिश को हवा दो कि मैं जिंदा हूँ अभी, मुझको एहसास दिला दो कि मैं जिंदा हूँ अभी, किस रंजिश को। तुम्हारे बुरे खान साहब थे, वो भी नहीं रहे हैं पास में, तो वो उनको मैंने रिक्वेस्ट की, वो आके इनको सिखाते थे। मैंने कहा बेटा तुम सीखो, म्यूजिक सीखो। फिर म्यूजिक से फिर पढ़ाई की वजह से फिर गैप हो गया, फिर लंदन चली गई, फिर यहाँ भी पढ़ाई में टाइम नहीं मिलता था, लेकिन अभी भी सीखती है। तो म्यूजिक का हमको बहुत शौक है, पहले से मेरी वाइफ को भी अच्छा लगता सुनना, मुझे भी अच्छा लगता, मेरे बाप को भी अच्छा लगता था। मेरे बाप हमेशा मेरी माँ को देख कर गाते थे, क्या गाते थे यार, 100 साल पहले मैंने तुमसे प्यार था, आज भी है कल भी रहेगा। मेरे को देख के बोलते देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई, कितना बदल गया इंसान। तो म्यूजिक से बहुत प्यार है। और मेरे स्टैंड अप कॉमेडी में म्यूजिकल आइटम बहुत ज़्यादा होते हैं, मैं म्यूजिक पर आइटम बनाता हूँ। तो अभी भी एक आइटम बनाया स्पेशल यूज के, मेरा धंधा खराब नहीं, मेरा म्यूजिकल आइटम है वो, तो म्यूजिक के साथ ही होता है वो, कॉमेडी है पूरा, टोटल सिचुएशन बनाना पड़ेगा। तो सिचुएशन बना के पूरा 25 मिनट का आइटम होता है जी सर। मेरे महमूद साहब और किशोर कुमार जी दोनों बहुत जाने वाले साहब भी, जगदीप साहब भी हैं, लेकिन महमूद साहब और किशोर कुमार जी इनकी फिल्में ज़्यादा देखा करता था और उनके गानों पे मैं डांस किया करता था। जब मैं 10 साल का था, 10-11 साल की उम्र में किशोर दा के गानों पे डांस करता था और महमूद साहब के गानों पे डांस करता था। वो 17 साल जब मैं मिमिक्री सुन के, तो मिमिक्री जो है उनको देखा पहली बार मैंने, जब मैं कुछ 12-13 साल का हुआ तो उनको सुना था, तो यार मैं फिर मैं प्रैक्टिस की, यार आवाज़ कैसे निकालता हूँ, प्रकाश जी की आवाज़, अशोक कुमार की आवाज़ कैसे निकालते, मैं भी कोशिश करूँगा। तो वो मेरी इंस्पिरेशन, उनको उनसे मैं इंस्पायर हुआ था। मैंने एज अ चाइल्ड उमर शरीफ जी के प्लेस बहुत सारे देखे हैं, तो वो मुझे बहुत, आई वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड उनके प्लेस देखकर, एंड ऑब्वियसली मेरे फादर के का वर्क मैंने देखा हुआ है, एंड महमूद जी ऑल्सो येस, और बाकी के जो अब्रॉड के कमेडियंस हैं मैंने उनका काम भी बहुत देखा है, जैसे माइकल मैकइंटायर हैं, ली एवंस, ये सारे उनका स्टाइल भी बहुत सिमिलर है माय फादर स्टाइल, एंड बिल कॉस्बी, तो वो मुझे काफ़ी इंस्पायर करते थे। फीमेल कॉमिक्स को भी मैंने बहुत देखा है।